वेलकम बैक दोस्तों, थर्ड ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अनऑर्डर लिस्ट एचटीएमएल की और ऑर्डर लिस्ट के हवाले से बात करूँगा और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा कि किस तरह अनऑर्डर लिस्ट बनाना है और ऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाना है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने मुख्तलिफ कुछ फंक्शनलिटी को ऐड किया था, जैसे बटन्स को ऐड किया था और लिंक को ऐड किया था और फिर एक इमेज अपलोड किया था, बैकग्राउंड को कलर दिया। लेकिन अब हम अनऑर्डर लिस्ट के हवाले से बात करेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाना है। तो चलो दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में लेट सपोज यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा H1, सिर्फ टाइटल देना है ताकि हमें पता चल जाएगा कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर एचटीएमएल लिस्ट, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अगर आप लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, तो पहले क्या करना है, यूएल लिखना है। यूएल का मतलब क्या है, यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, इस ओपन करना है। इसके बाद मैं लिखूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद क्लोज करना है और फिर li, या ऐसा करना है कि जिस चीज़ को भी आपने, तो कॉपी, सॉरी इसको डिलीट किया, uli लिखना है। इसके बाद li यानी लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो लिखना है कॉपी और इसको बंद करना है। इसके बाद li t लिखा है, ठीक है, तो इसके बाद कुछ एड्स करूँगा। तो इसी तरह से आपने एड्स करना है, जितने भी आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, मिल्क, इसी के बाद लिखना है li यानी ड्रिंक, तो मैंने पहले क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट यानी एचटीएमएल का जो लिस्ट है वो क्रिएट किया था। तो इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि ये किस तरह, इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं इसको रन करूं, सेव ऑल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब रिफ्रेश करोगे तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि इसमें डॉट्स आ रहा है, डॉट्स आ रहा है, लेकिन जब आप ऑर्डर लिस्ट करोगे तो उसमें नंबर्स आपको शो होगा। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो आप देखो, इसके बाद मैं ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह क्रिएट करना है। तो इसी की कॉपी करूँगा, अब मैं लिखूँगा ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके बाद एंड कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर टेस्ट करना है। लेकिन उधर मैंने अनऑर्डर लिस्ट में क्या लिखा था, यूएल लिखा था, लेकिन अब हम इसमें लिखेंगे ओएल और ओएल को क्लोज करना है। सेव ऑल पर क्लिक किया। क्लिक के बाद जब मैं रिफ्रेश करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें डॉट से जाहिर हो रहा है अनऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट एचटीएमएल की जो है वो इसको नंबर को असाइन किया। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ एंट्रीज ऐड करना चाहते हो, लेट सपोज मैं दो और मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ, तो मेल के बजाय मैं लिखूँगा मेल और लिखूँगा ग्लास। सेव ऑल पर क्लिक किया, रिफ्रेश कर, तो ये देखो ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इन दोनों को आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया
कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाना है और ऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाना है। तो दोस्तों, मैंने पहले ट्यूटोरियल में कहा था कि प्रोग्रामिंग इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अंडरस्टैंड और उसके डिफरेंस के बारे में आपने समझा, तो प्रोग्रामिंग इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये था इस ट्यूटोरियल में अनऑर्डर और ऑर्डर लेस के हवाले से मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर फिर भी किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो अभी तक जो मैंने किया था, हेडिंग्स के बारे में बताया था, पैराग्राफ के बारे में, बटन किस तरह क्रिएट होना है, लिंक किस तरह क्रिएट करना है, इमेज को किस तरह, अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाना है और ऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाना है, तो इसी तरह से हम मज़ीद काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।